बेइज्जती है, बहुत बड़ी बेइज्जती है, बहुत बड़ी बेइज्जती है कि देखो चार घंटे से आज नहीं आया उसके पीला जा जो मेरा डेड बॉडी मिली हमें यहाँ पे इस समय, और अब हम कुछ तो कर नहीं सकते यार, अब हम क्या करें यार। वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज समझ ब्लॉगर। तो दोस्तों तुम्हारा भाई इंडिया टीवी से आ चुका है आज यहाँ पर हरिद्वार की कावड़ यात्रा में, और तुम्हारा भाई स्पेशली माइक लेके आया 2 लाख रुपए का। और अभी हम फिलहाल आए हुए हैं चौधरी विराट रावण डीजे पर, और यहाँ पे आज हम पूछने वाले हैं कि साजन भाई की क्या अपडेट है, साजन भाई कहाँ पर है और डीजे के बारे में पूछिए। एक डेड बॉडी दिखी है इस समय, ये भाई जो है डेड बॉडी मिली हमें यहाँ पे इस समय, और अब हम कुछ तो कर नहीं सकते यार, अब हम क्या करें यार बताओ। बाकी हम आपको लोकेशन बता देते हैं, छपार के पास में ये जगह है। झगड़ा वो तो झगड़ा दोस्तों, देख सकते हो सामने खड़ा चौधरी डीजे पलतापुर का ट्रोला, और यहाँ पे भाई सारे भाई लगे पड़े पूरी मेहनत के साथ में, सारा सामान पैक कर रहे हैं क्योंकि चौधरी डीजे हो चुका है बैन, है ना भाइयों। बहुत दुख की बात है ये कि चौधरी डीजे को अब सारा सामान खोल के वापसी जाना पड़ रहा है, और भाई मौसम भी यहाँ पे खराब होते हुए इस चक्कर में तिरपाल लग गई, वरना आधा सामान अब खुल चुका है डीजे में, और चौधरी डीजे बैन हो चुका है ना भाई। चौधरी डीजे बैन हो चुका है, अब जा रहे हैं, अब हम सारा सामान पैक कर रहे हैं, मेरे जा रहे हैं वापसी। चलो अब मेरे। हेलो, चेक चेक, माइक चेक, आवाज आ रही है भाइयों? लाइट्स बहुत है, कैमरा एक्शन, बस सब भाई क्या हाल है आपके? मजा आ रहा है, मजा आ रही है एकदम। बस सब भाई, अब तुम्हारे भाई ने माइक खरीद लिया, ये ऑन तो करेंगे, पहले तो ऑन हो गया। पहले तो माइक खरीदने के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको, मिठाई नहीं खिलाएंगे लेकिन हम? कोई बात नहीं, मैंने कहा आपसे मिठाई थोड़ी मांगे, बाद में का करें, हड़को सब पनीर की दावत कर लियो, बस इतनी बता रहा हूँ तो। कोई नहीं साहब, पनीर खिलवाएंगे बाद सफाई किसी दिन, लास्ट में कर लियो एकदम। तो नौ हम तुमसे कह रहे भाई, अभी तो तुमने खरीदा, देखो मोटा खर्चा अपना करो अपने माइक के ऊपर। बिल्कुल भाई, एकदम तो देखो पैसा भी थोड़ा सा खत्म होगा कमाने को, तुम लिख रहे हो थोड़ी थोड़ी यूट्यूब पे वीडियो डालोगे, माइक अच्छा ले लिया वैसा आपने, माइक बढ़िया ले लिया अपने को, ये है माइक्रोफोन बीटा 587। कितने का आगे जी? ये 1 लाख रुपए का भाई। मुबारक हो सुमित भाई, आपने इतना अच्छा माइक लियो। बात सब भाई, चौधरी डीजे बैन हो चुका है, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? बैन वैन कुछ नो जी, बस पूछो मत नो, दिल को दुख है बहुत बड़ा, हमें तो दिल को दुख है बहुत ज्यादा, खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा। मैं देखो अभी सो के उठा हूं, सुबह से तो ऐसा कुछ खाया ना। अच्छा, पर लेकिन अब फिलहाल हम उसके बाद देखो रोड उतरे कि न उतरे। अच्छा, जब मन होगा तभी आप खाओगे। और बाकी बात सब देख रहा हूँ मैं, पीछे आपके टाटा लोड हो रही है, तो आप क्या कहना चाहोगे टाटा के बारे में? देखो जैसा प्रशासन ने कही, हम छोटा कर लेंगे, हम पे का जोर पड़ रहा हूँ, बिल्कुल हमने तो टाटा में लाद दिया। अब फिर बात सब भाई, आप ट्रोला जो है अब सारा पूरा खोल दोगे? हाँ, ट्रोला खुले भाई, अभी और कब बंद होगा, घर छोड़ ले जाएंगे यहाँ पे, मतलब आप छोड़ के नहीं जाओगे। बात सब भाई, आप इस शोर के बारे में क्या कहना चाहोगे? आप इस शोर के बारे में क्या कहना चाहोगे जो इतना ज्यादा शोर करती है ये पब्लिक? भाई क्या करते, कोई बाबा का बेला है, सभी अपने एंजॉयमेंट करते हैं, कोई मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकाल, कोई ट्रैक्टर से, कोई म्यूजिक से, कोई चिल्ला के, लेकिन सभी भोले मजे ले रहे हैं, सभी भोले जो है वो मजे ले रहे हैं और काफी ज्यादा आनंद ले रहे हैं पूरे मेले का, क्योंकि साल भर में एक बार ही आता है हरिद्वार का मेला। अगला लास्ट है जी, आपकी लास्ट है, पैदल पैदल नहीं बस कावड़, म्यूजिक तो मुश्किल ही आएंगे, अगली बार से डीजे वगैरह नहीं आएंगे भाई, मुश्किल तो लग रहा है, मुझे दीख न रहा है, अगली बार मेरे साथ पहली बैन हो जाएंगे। अच्छा, अब देखते हैं भाई, वो डीजे सेटअप हमारे पास समय बता रहे बैन हो जाएंगे, देखे क्या होता है। और इस पहले डीजे को जानते हैं यार, ये शोर मचाया जा रहा है बहुत ज्यादा बादशाह भाई, अब आपका जिसने मजे ले लिया ले लिया, अगले साल तो मुझे मुश्किल सी लग रही है, अभी अभी यही मजे है बिल्कुल। हर चीज में तो राजनीति चलने लगी सुमित भाई, राजनीति चलने लगी, चाहे डीजे की लाइन हो चाहे कोई भी लाइन हो, लेन आदमी की राजनीति चले, एक दूसरे से राजनीति करने लगे, एक दूसरे से राजनीति करने लगे, अब प्यार मोहब्बत ना कहने को भाई है, पीठ पीछे छुरा खोपड़े को पूरा कौम होता हूँ। बिल्कुल बादशाह भाई, और बादशाह भाई ये माइक जो है पब्लिक मुझसे मांगना चाहेगी इस माइक को, ये माइक बस सुमित भाई आपने पैसा खर्च करें आपकी मर्जी जी, आपकी से दो नो दो अलग बात है, क्यों जी आपका माइक है इसे मेरे, मैं क्या कहूँ, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बादशाह भाई ये आपको माइक कैसा लगा लुक भाई? माइक अच्छा, जब 1 लाख रुपए आपने खर्च करा, कुछ सोच समझ के करो। और बादशाह भाई अब यहाँ से हम कितनी देर में चलेंगे? अब ना चल रहे तो हम सोएंगे जी मजे से, सोएंगे अब चलने का मन ही ना हो, अब पूरी रात आप सोते रहोगे? पूरी रात सोएंगे, पूरी रात सोओगे आराम से, चलेंगे चले तो
बात सवाई गर्मी कुछ ज्यादा ही हो रही है, आपके पसीने आ रहे हैं देख रहे हैं हम। गर्मी का मैं सोच रहा हूँ हल्की हल्की बारिश हो जाती है तो मजे आ जाता है सड़क पर लोट लोट के नहाते। अच्छा फिर नहाएंगे अगर बारिश आ गई तो? और नहाएंगे बारिश में, हमें तो बारिश ही न मिली, सावन की न पहली बारिश मिली, अब लास्ट सही हो लिया सावन को, 2 तारीख आ ली, कल परसों 2 तारीख हो लेगी। बिल्कुल बात सवाई। अरुण भाई कहाँ पर है? अरुण भाई मेरे पीछे में पड़े। अब अरुण भाई को आवाज मार के बुलाते हैं। अरुण भाई आ जाओ, आ जाओ अरुण भाई, जल्दी आ जाओ, ब्लॉग बन रहा है। दोस्तों माइक को कर लेते हैं हम ऑन, बादशाह भाई के हाथ में हमारे माइक है। बादशाह भाई अरुण भाई से क्वेश्चन करिए। मुल्तान का सुल्तान किसे कहा जाता है? मुल्तान का सुल्तान उसे कहा जाता है हरवीर को। उसकी राजधानी कहाँ है? राजधानी उसकी काशीरा में हो जिला। वो रहता कहाँ था? लोही नगर में। तो जैसे कि हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर, काफी अच्छा लग रहा है, धूप हल्की हल्की सी खिली हुई है, पसीने शरीर से बह रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा लग रहा है थक दियो, थक दिया हो, चलाने से मार रही है। अब लापे चला देती भाई, टट्टी भी है, टट्टी में भी बढ़िया सवाद आ रहा है। ये देखो मजा आ रहा है, हमें मजा आ रहा है, भांग उतर रही है। ओ माय गॉड, बोले बाबा भांग उतर रही है मेरी। अरुण भाई नहाने कब जाएंगे हम? नहा के कहां तो रोज रहे, नहा के कौन सा महल उतर जाओ फिर, इतने जल्दी चढ़ जाओ, पसीने इतने, ना पंखा ना पंखा कुछ। आपकी तो ट्रोले में भाई कूलर भी लगा हुआ है स्पेशली, एकदम एसी वाली हवा देता है ना, ट्रोली ट्रोल रहेगी। अरुण भाई सार्जेंट डीजे कहाँ पे है? सार्जेंट डीजे भैया पीछे खड़ा है, मेले का किंग पीछे खड़ा हो रहा है, मेले का किंग पीछे खड़ा हुआ है भैया। हीरो स्टार, हीरो स्टार, हीरो स्टार। और क्वेश्चन करिए सार्जेंट भाई को लेकर, सुनने में आ रहा है कि अरुण भाई ने स्पेशली आपको बुलाया था कि आप ही हमारे डीजे प्ले करोगे। बुलाया का मेरे डीजे बुलाते का है किशोर वेश को, मैं वहाँ पीठ पर जो किशोर बुलाते रहा, हक तो हमारा इस पे और आ, मेरी मेरी जोहरा जबी फुर्सत गम मीठा जा, एक सदा जाम पीला जा, जो मेरा साथ साथ निभाजा, साथ साथ निभाजा, फुर मेरा रात है आजा, साथ साथ तेरा सरापा ऐसा है हम दम 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 तुम ऐसे चमके धूप में। तो आज के लिए इतना ही काफी, तो हम इस एपिसोड को यहीं बंद करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए कल हमसे मिले रोजाना 8 बजे हमारा भकाभक चैनल भकाभक चैनल। अरे पत्ता फुक रहा, पत्ता बदल दो बस थोड़ा सा, भाई इसके पत्ते फुक गए। ये तो पुलिस वाले बन रहे, पुलिस वाले सारे बनवाने हैं, बंद कर। तो दोस्तों फिलहाल तुम्हारा भाई है चौधरी विराट राव एंड डीजे के पास में, और यहाँ पे है भाइयों हमारे अतुल भाई जो कि है चौधरी विराट राव एंड डीजे के ओनर जिन्हें हम कह सकते हैं। और अभी तुम्हारा भाई जो फंसा हुआ है, वो फंसा हुआ है सीआरपीओ के बीच में, देख सकते हो यहाँ पे सीआरपीओ के जंगल में तुम्हारा भाई आया हुआ है और यहाँ पे फंस चुका है, और यहाँ से मैं जगह नहीं दिख पा रही कहाँ से बाहर निकलूँ भाई, क्योंकि सीआरपीओ इस तरीके से लगी हुई है यहाँ पे। और हमारे यहाँ पे अतुल भाई है, क्या हाल है अतुल भैया? बढ़िया भैया जी, बढ़िया एकदम। अतुल भैया पब्लिक की डिमांड आ रही है, अतुल भाई को तो दिखा दो ब्लॉग में जो कालकाजी ज्योति यात्रा में आए थे, अब कैसे नाराज हो गए वो ब्लॉग में नहीं आ रहे भैया जी, गर्मी ज्यादा है, दम तोड़ना मंजूर है। बिल्कुल भाई थोड़ी अतुल भाई ये भी बात होती है कि क्या नाम है, काम की वजह से भी ब्लॉग में नहीं आ पाते, काम भी कुछ ज्यादा है जान को। बिल्कुल, बाकी अतुल भैया आप हरिद्वार की कावड़ यात्रा में आए हो, आप यहाँ पे आके कैसा महसूस कर रहे हो ये बता दीजिए। इस बार आगे आगे से बिल्कुल नहीं आएंगे, इस बार आगे आगे से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जाएंगे, मेला नहीं करेंगे हम। मेला क्यों नहीं करोगे भैया? बहुत ज्यादा गर्मी है, खाने से परेशान है, बहुत ज्यादा गर्मी है और खाने से परेशान है, खाने से भी परेशान है,
कैसे पार्टी वाले कुछ ज्यादा मर्जी कर देगा? पार्टी वाले ने कर दिया कुछ भी, हमें खुद करना पड़ता है, लड़के थोड़ा नाराज है मुझसे भी। ये भी होता है कि मतलब डीजे वालों को खुद अपने लड़कों को भी देखना पड़ता है, अपने आप को भी देखना पड़ता है। कब तक वो क्या नाम है, 10-12 दिन का जो प्रोग्राम होता है, ज्यादा दिन हो गए, 12 दिन से भी। 18 तारीख से आज हो गई 30 तारीख, कम से कम 12 दिन हो गए। अभी कम से कम 3 दिन और, 3 दिन और काटने, कम से 15 दिन का ये 15 दिन का मेला है। और 15 दिन टूट जा पड़ा भैया, बिल्कुल अतुल भैया। और बाकी अतुल भैया भाई कौन है, भाई से भी सोनू भाई है लाइटिंग वाले। अच्छा सोनू भाई है लाइटिंग वाले, नहीं भाई के चेले, नहीं भाई के चेले। तो ये भी मतलब सबको लाइटिंग वगैरह सीख गए हैं, लगाना वगैरह सब लाइटिंग वाइटिंग का सब इन्हीं का ही है, सब इन्हीं के दिमाग से लाइटिंग वगैरह सब कुछ लगी हुई है। भाई भी थके आ रहे हैं, बहुत थक चुके हैं भाई, गर्मी ज्यादा, भोले बाबा बारिश करवा दे तो थोड़ा आ जाएगा और कुछ बात ना है। बिल्कुल, तो गर्मी में तो सही टूटा पड़ा है, वो खाने पीने तो देखा जा पा, बारिश तो हो रही है, एक तो नो तन मंदिर परेशान है मंदिर, बिल्कुल तन मंदिर से परेशान है, बिल्कुल एकदम। भोले बाबा थोड़ी सी बारिश करवा देते तो थोड़ा मन ठीक हो जाता हमारा। बिल्कुल अतुल भाई, बाकी अतुल भाई अभी हम कौन सी जगह पर हैं? हम छपार हैं। छपार जी, छपार से अब हमें कहाँ तक जाना है? मुजफ्फरनगर के लिए। मुजफ्फरनगर जी, फिर ये जो यात्रा है कहाँ पे जाके समाप्त होगी, जहाँ पे डीजे रुकेगा? ये मेरठ जाके समाप्त होगी, लाल कुर्ती, मेरठ लाल कुर्ती पे जाके, वहाँ पे जाके ट्रॉलर जो है पूरा खुल जाएगा, खुल जाएगा, लाल कुर्ती नहीं पहुँचने का, लेकिन ये है टोल टैक्स पार करके ट्रॉलर खुल जाएगा, टोल टैक्स पार करते ही ट्रॉलर खुल जाएगा। जी जी जी, टोल टैक्स से पहले भी बोल सकते हो आप? नहीं नहीं, टोल टैक्स पार करके, अच्छा पार करना ही पड़ता है, बिल्कुल। अगर मेट्रो बननी है तो ट्रॉले अंदर नहीं जाते। अच्छा, उस वजह से आप ट्रॉले अंदर नहीं जाते, पहले अंदर तक जाते थे? पहले अंदर तक जाते थे जब मेट्रो नहीं थी, अब मेट्रो है इसलिए ट्रॉले अंदर नहीं जाते। अच्छा, ये सीन है जी। मैं तो क्योंकि देखो पहली बार आया हूँ द्वारिका यात्रा में, और देख रहा हूँ कुछ ऐसे ऐसे सीन भी हो रहे हैं। नहीं सुमित भाई, मुझे तो बहुत टाइम हो गया यात्रा में आते आते। अच्छा, आपको बहुत टाइम हो गया? मैं मेरे घूमने 4-5 साल हो गए, मैं कांवर भी ले आया और मेले करने भी आ गए, मेले भी करने आ गए जी। कावड़ भी लेने आए हो, मेले भी करने आए हो, बिल्कुल एकदम डीजे के साथ में ही आए हो आप, बिल्कुल। जी जी जी। अच्छा, और अतुल भैया जैसे यार कुछ ज्यादा जैसे साजन भाई को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है सब की, मतलब साजन भाई हमारी यूपी में आ गए, हमारी यूपी में आ गए, उस इंसान के साथ बदतमीजी करने से गलत बात है, हमारी इसमें यूपी की बेइज्जती है, यूपी की पूरी बेइज्जती है इसमें। जो साजन भाई, साजन भाई का साथ दो दूर से आए हैं झारखंड से, उनका साथ दो, सहयोग करो उनका, बिल्कुल बिल्कुल हर तरीके से उनका सहयोग करो, चाहे उन्हें किसी भी चीज की परेशानी ना हो, बिल्कुल साथ दो उनका जिस भी चीज की। और जो ये उनके ऊपर हाथ वगैरह छूटा, जितने भी करे करे गलते हैं, ये करा गलत है, ठीक है ना, उन्होंने करे चाहे जितने भी करे करे गलते हैं, बिल्कुल बाहर से आए हुए इंसान हमारे लिए मेहमान होता है, बिल्कुल सबसे पहले उसकी खातिरदारी उससे पूछना कि जिस समय दिक्कत, मान सम्मान दिक्कत करो। बाकी ये बात बहुत अच्छी लगी हमारे अरुण भाई ने, और जो हमारे भाई है कि मतलब उनको कि वापसी ना जाए और वहाँ पे जाके स्पेशली भाई हमारा सामान उन्हें ना जाने के लिए भाई, ये हमारा हक बनता है, तो उनका डीजे द्वार तैयार कराएं और वापसी मेले के अंदर लाएं। बिल्कुल यार, आधे रास्ते से मेले में जब आप जाना है ना, हमारी यूपी की बेइज्जती है, बहुत बड़ी बेइज्जती है, बहुत बड़ी बेइज्जती है कि देखो चार घंटे से आदमी आया, उसके गलत काम हुआ, मार पिटाई हुई, और डीजे आधे रास्ते बजाए चले गया अपना। बिल्कुल ये भी है बात, ये हमारी यूपी की बहुत बड़ी बेइज्जती है, यूपी की बेइज्जती है। और इसमें मतलब थोड़ा ये भी है कि पार्टी वाले भी नाराज है कि वो जब तो पार्टी वाले तो नाराज होंगे, जो बात है उनका भी कावड़ आगे ले आने का मन नहीं करेगा, बिल्कुल की मतलब पार्टी तो नाराज होगी होगी, अब डीजे छोड़ के जाएगा तो हम ही है, हम भी डीजे पे, हमारी कोई वारदात हो जाए तो हम डीजे छोड़ रहे हैं तो हमारी पार्टी नाराज होगी होगी, बिल्कुल। अतुल भाई फिर पार्टी वाले भी उनका ये मन में रहेगा कि हम आगे कावड़ यहाँ से लेके जाएं? नहीं बिल्कुल, उनके मन में रहेगा आगे जाके कावड़ लेके जाएं और इनको सही सलामत देने के बगैर चल जाए, बिल्कुल साजन भाई को, उन्होंने भी पार्टी वाले भी साजन भाई को वैसे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट उन्होंने, उन्हें बोल ही दिया कि मतलब आप अपना सेट यहाँ से वापस ले जाओ, यहाँ के लोग जो है वो खराब है, आपने देख लिया यहाँ पे, उन्होंने ऐसा कहा, बिल्कुल। और अतुल भाई, अरुण भाई वगैरह कहाँ पर है? कौन? अरुण भाई, अरुण भाई थोड़ा गाड़ी का काम करवा रहे हैं अंदर, मुजफ्फरनगर अंदर गाड़ी निकलेंगे 8 बजे की। अच्छा, मुजफ्फरनगर 8 बजे की गाड़ी जाएगी? जी बिल्कुल, और मुजफ्फरनगर के बाहर से सेटअप जाएगा, ट्रोल जाएगा हमारा पूरा। तो आपके पास जो एक्स्ट्रा सामान है वो सारा लोड कर, वो लोड हो रहा है कैंटर में, हमारी में कैंटर में लोड हो रहा है, फिर वो प्ले होते हुए यहीं से जाएगा टाटा। जी 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 बिल्कुल,
अच्छा, अंदर के लिए कैंटर जाएगी बार बार अंदर अंदर। अच्छा जो कावड़ है वो अंदर अंदर की तरफ से जाती है, वहाँ ट्रोले नहीं जाते क्योंकि फुटपाथ बनी हुई है, रास्ता वहाँ पर है नहीं, डीजे हमारे छोड़ा जाता है। बिल्कुल, दूसरे पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग करना पड़ेगा, टूट फाट आवा उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बाईपास पे से लेके जाना पड़ेगा, बिल्कुल बार बार लेके जाओ। हाँ, साथ बिल्कुल। और अतुल भाई, ये भाई कौन है? ये भाई आए हैं, मोनिश भाई है हमारे, मोनिश भाई है जी। ये आपके साथ में रहते हैं, ये काम करते हैं साथ में, काम करते हैं। और भाई आपके कैसे हाल है हरिद्वार कावड़ यात्रा में आके? आवाज बैठी है बस, गला बैठ गया। अच्छा, गला भी बैठा है बिल्कुल बस एकदम, लेकिन हारे नहीं हो, रात होगी जगते जगते। अब क्या हुआ भाई? भाई सिर में लग गई बहुत तेज, देख के चलो यार, देख के चलो। बाकी ये भाई पूरी रात से लग रहा है तो भाई? जी भाई, पूरा लड़के ने मेहनत करी है ट्रोल निकलवाने के अंदर साथ साथ। अच्छा, पूरी पूरा जगते हैं, एक बंदे ये हैं, ये हैं, और दो तीन बंदे लड़के सो रहे हैं, मैंने उनसे बोल दिया तुम सो, एक सोए हो, टाइम ले दो सबको कि आप बिल्कुल आराम से जितनी भी देर तक, ये पूरा जगेंगे, फिर तुम ये जगह दिन में जगेंगे, रात में जगेंगे तो उठने के ना, फिर बिल्कुल। अब ये भाई दिन में, ये रात में सोएंगे आज और दिन में उठेंगे, ये सही है, ऐसा सीन सही है कि आधे आधे टाइम से सबको काम बांट रहा है, सबको दो बांटो, बिल्कुल टीम बन के चलो, बिल्कुल जी टीम बन के चलने में मजा आता है काफी ज्यादा, और पूरी यात्रा अच्छे से निकलती है, सफल होती है बिल्कुल। और बाकी यहाँ से कितनी देर में निकलेंगे अतुल भैया? शाम के टाइम निकलेंगे, शाम के टाइम में निकलेंगे, अभी है टाइम कम से कम, अभी टाइम है दो तीन घंटे है कम से कम। जी जी जी, अभी दो तीन घंटे हैं, दो तीन घंटे बाद चलेंगे, फिर सेटअप भी सुनाएंगे पब्लिक को एक बार इसी वीडियो में, बिल्कुल सेटअप सुनाएंगे आपको भाइयों।